हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल टू द न्यू वीडियो ऑफ द मैग्नेटिक साइंस इंस्टीट्यूट। अब इस पार्ट में हम बात करने वाले हैं इक्विलिब्रियम चैप्टर की। बेसिकली इक्विलिब्रियम चैप्टर को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक है फिजिकल इक्विलिब्रियम, जिसके मोस्ट ऑफ क्वेश्चन कभी एग्जाम में आने नहीं है, और अगर आप उसको टेक्स्ट बुक से भी रीड करोगे यू विल बी इजिली एबल टू अंडरस्टैंड दैट। सेकेंड पार्ट इज द केमिकल इक्विलिब्रियम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंट्रेंस क्वेश्चन विल बी फ्रॉम दैट पार्ट। एंड द थर्ड पार्ट इज द आयोनिक इक्विलिब्रियम। इस सेशन में हम बात करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम की। केमिकल इक्विलिब्रियम हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट मैं आपका थियरी पार्ट एकदम कॉन्क्रीट करूंगा, राइट? बिकॉज अगर थियरी पार्ट एकदम कॉन्क्रीट है तो उसके ऊपर इमारत बनाना फिर कोई बड़ी बात नहीं होगा, राइट? तो फर्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम की थियरी। थियरी कंटेंट्स अगर हम देखें तो कंटेंट्स विल बी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम, देन लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, केपीकेसी रिलेशन, दिस इज गोइंग टू बी द वेरी क्रूशियल केपीकेसी रिलेशन, देन एप्लीकेशन ऑफ द इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट, लास्ट इज क्यू के एंड डेल्टा जी रिलेशन, एंड द वन विच इज गोइंग टू बी देयर इन योर पेपर फॉर श्योर, दिस इज दिस ली शटेलियस प्रिंसिपल, दैट विल बी द लास्ट पार्ट इन द चैप्टर। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम। तब इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? तो अगर हम कोई भी केमिकल रिएक्शन देखें तो वी कैन से रिएक्शन दो तरीके से हो सकता है। एक होते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन, जो खाली एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड होते हैं। दूसरे होते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन मतलब वैसे रिएक्शन जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकते हैं, रिवर्स डायरेक्शन में भी आ सकते हैं एट अ सेम टाइम। तो जब भी रिएक्शन रिवर्सिबल है सो उस रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर विल राइट इन रिवर्सिबल रिएक्शन, कैसे होने चाहिए रिएक्शन? रिवर्सिबल कंपल्सरी। इन द रिवर्सिबल रिएक्शन व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बिकम इक्वल, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बिकम इक्वल, आई विल मार्क इट रेट बिकम इक्वल, रेट बिकम इक्वल, और वी कैन से और द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट्स बिकम कॉन्स्टेंट। अब यहां पर बहुत सारे बच्चे मार खा जाते हैं, वो समझते हैं कि इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का अमाउंट सेम हो जाना चाहिए। सेम नहीं होगा, इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का जो अमाउंट है दैट इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। मतलब इक्विलिब्रियम आने के बाद रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टाइम के साथ वेरी होने वाला नहीं है। तो मैं इसको भी हाईलाइट करूंगा, द कॉन्सेंट्रेशन बिकम कॉन्स्टेंट, रेट बिकम इक्वल, कॉन्सेंट्रेशन बिकम कॉन्स्टेंट। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विद अ वेरी सिंपल ग्राफ। So, अगर हम ऐसे एक ग्राफ ले रहे हैं, यहां पे हम ले रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन, यहां पे हमने लिया टाइम, राइट? एंड द केमिकल रिएक्शन वी कैन शो एज रिएक्टेंट विल गिव्स प्रोडक्ट, मैंने डबल एरो मारा है, रिएक्शन कैसा है? रिवर्सिबल है। सो आई कैन राइट आर विल गिव्स पी रिवर्सिबली। तो वेरी ऑब्वियस, इनिशियली हम जब रिएक्शन स्टार्ट करेंगे तो हम रिएक्टेंट लेके रिएक्शन को स्टार्ट करेंगे। तो मान लो कि इनिशियली इतना रिएक्टेंट है, अब जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे रिएक्टेंट का अमाउंट कम होगा, राइट? तो ये हो गया रिएक्टेंट। इनिशियली प्रोडक्ट तो होना नहीं है, तो इनिशियली प्रोडक्ट कितना है? जीरो। जैसे जैसे टाइम आगे जाएगा वैसे वैसे प्रोडक्ट बढ़ेगा, तो ये हो गया प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन ग्राफ, ठीक है? अब मोस्ट ऑफ बच्चे क्या समझते हैं इक्विलिब्रियम मतलब ये पॉइंट? नहीं, ये पॉइंट इक्विलिब्रियम नहीं है। इक्विलिब्रियम मतलब ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट के बाद कॉन्सेंट्रेशन चेंज होना बंद कर दे। तो अगर मैं देखूं ये पॉइंट, अब इस पॉइंट के बाद आप देखिए प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन भी ऑलमोस्ट सेम कॉन्स्टेंट हो चुका है और रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन भी क्या हो चुका है? ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट हो चुका है। अब वो टाइम के साथ वेरी नहीं हो रहा है। तो जब ये ग्राफ हॉरिजॉन्टल हो गया, समझ लीजिए इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो चुका है। सो आफ्टर दिस पर्टिकुलर पोर्शन इट इज इक्विलिब्रियम, राइट? सो इट इज अ वेरी बेसिक डेफिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, दैट इज रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन शुड बी इक्वल, रेट शुड बी इक्वल एंड द कॉन्सेंट्रेशन शुड बिकम कॉन्स्टेंट। रेट बिकम इक्वल, कॉन्सेंट्रेशन बिकम कॉन्स्टेंट, देन वी कैन से इट इज इक्विलिब्रियम, राइट? नाउ लेट्स गो टू द सेकंड थिंग, दैट इज द लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम।
लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। राइट, लेट्स कंसीडर वी हैव सम रिवर्सिबल रिएक्शन जिसके अंदर ए मोल ऑफ रिएक्टेंट ए बी मोल ऑफ रिएक्टेंट बी से रिएक्ट करेगा, रिवर्सिबल रिएक्शन है, और ये देगा सी मोल ऑफ सी एंड डी मोल ऑफ डी। ठीक है, अगर हम केमिकल काइनेटिक्स पढ़ोगे 12th स्टैंडर्ड में तब आप ये पढ़ोगे कि रेट ऑफ रिएक्शन, हम यहां पे लिखेंगे ये कौन सा रिएक्शन है फॉरवर्ड, ये फॉरवर्ड रिएक्शन, ये कौन सा रिएक्शन है रिवर्स। तो कोई भी रिएक्शन का जो स्पीड है, कोई भी रिएक्शन का जो रेट है, वो डिपेंड करता है रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर। तो अगर हम फॉरवर्ड देखें तो रिएक्टेंट कौन होगा, ए एंड बी। ओके, सो वी कैन राइट द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी रिटर्न एज रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू के एफ इन टू, कौन कौन है रिएक्टेंट यहाँ पे फॉरवर्ड का, ए एंड बी। तो ए कितनी बार है, ए बार है, तो ए कॉन्सेंट्रेशन आएगा, ए टाइम्स बी कितनी बार है, बी बार, तो बी का कॉन्सेंट्रेशन आएगा स्मॉल बी टाइम्स के एफ। के एफ को हम कहेंगे रेट कॉन्स्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, क्या कहेंगे, रेट कॉन्स्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, सिमिलरली अगर हम रिवर्स रिएक्शन के बारे में सोचे तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या लिखेंगे हम, रेट ऑफ रिवर्स, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन हम लिख सकते हैं के आर इंटू, अब रिवर्स के लिए रिएक्टेंट का काम कौन करेगा, सी एन डी, तो हम क्या लिखेंगे यहां पे, सी पावर सी डी पावर डी। अब इक्विलिब्रियम क्या डिफाइन करता है, सिमिलरली हम के आर लिख सकते हैं रेट कॉन्स्टेंट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, रेट कॉन्स्टेंट ऑफ रिवर्स। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम क्या कहता है, इक्विलिब्रियम का मतलब फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट कैसा हो जाना चाहिए, सेम हो जाना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे एट इक्विलिब्रियम, दोनों रेट कैसे हो जाएंगे, सेम। तो हम लिखेंगे यहां पे एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ रिवर्स दोनों क्या हो जाएंगे, सेम, दोनों को इक्वलाइज करेंगे हम, के एफ इंटू ए पावर ए बी पावर बी इज इक्वल टू के आर इंटू सी पावर सी डी पावर डी। ठीक है, तो यहां पे हम ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, अगर दोनों कांस्टेंट को हम साथ में ले ले क्या बनेगा यहां पे, के एफ बाई के आर, के एफ बाई के आर क्या होगा यहां पे, दिस विल बी सी रेस टू सी डी रेस टू डी डिवाइड बाय ए रेस टू ए बी रेस टू बी। अब ये दोनों कांस्टेंट मिला के फॉरवर्ड का रेट कांस्टेंट डिवाइड बाय रिवर्स का रेट कांस्टेंट, दोनों कांस्टेंट मिला के हम इसको कहेंगे इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट, के इक्विलिब्रियम। ओके, एंड दैट इज इक्वल टू फॉर दिस गिवन रिएक्शन सी रेस टू सी डी रेस टू डी ए रेस टू ए बी रेस टू बी। राइट, एंड वेरी सिंपल नोट वी कैन रिमेम्बर, इसको आराम से याद रख सकते हैं, के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, क्या होगा ये, प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। ओके, अब अगर एक दो एग्जांपल लेके समझे हम इसे, लेट्स टेक एग्जांपल, अगर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं, N2 प्लस 3H2 विल गिव्स टू NH3, N2 प्लस 3H2 विल गिव्स व्हाट, टू NH3। सो इस रिएक्शन के अंदर अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है तो क्या लिखेंगे, के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट कौन है, अमोनिया, अमोनिया कॉन्सेंट्रेशन कितनी बार आएगा, दो बार है, तो क्या ले जाएंगे यहाँ पे स्क्वायर डिवाइड बाय रिएक्टेंट कौन है, N2, N2 कितनी बार है, एक ही बार है खाली, कितना पावर होगा, वन, H2, H2 कितनी बार है, तीन बार है, क्या ले जाएंगे यहाँ पे उसका क्यूब लगाएंगे, तो ये हो गया उसका के इक्विलिब्रियम। ये सब क्या है, इक्विलिब्रियम पे इन सबका कॉन्सेंट्रेशन क्या दिया होगा, इक्विलिब्रियम पे सबका कॉन्सेंट्रेशन दिया होगा, हम जब सम्स वाला पार्ट देखेंगे देन आई विल गिव यू द एग्जांपल ऑफ ऑल दिस थिंग्स। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि अगर हमें सपोज रिएक्शन दिया था, हमने जो अभी एग्जांपल लिया आगे, वो रिएक्शन कुछ ऐसा था, ए पावर ए बी पावर बी विल गिव सी पावर सी डी पावर डी, और इसका हमने रेट इक्वेशन ये लिखा हुआ है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू व्हाट, प्रोडक्ट अपन रिएक्टेंट, राइट, दैट इज इक्वल टू सी रेस टू सी डी रेस टू डी अपन ए रेस टू ए बी रेस टू बी फ्रॉम दिस। अगर हम इस रिएक्शन को रिवर्स कर दे तो क्या होगा, अगर इस रिएक्शन को रिवर्स किया जाए तो क्या होगा, अगर इसको उल्टा कर दो तो जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट बन जाएगा, जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट बन जाएगा, तो यहां पे क्या होगा, दोनों ऊपर नीचे हो जाएंगे, रिएक्टेंट की जगह प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की जगह पे रिएक्टेंट, तो अगर ऊपर नीचे हो गए तो हम क्या लिखेंगे, के फॉर
रिवर्स रिएक्शन, लेट्स राइट के डैश, के डैश इज इक्वल टू, हमने क्या किया दोनों को उल्टा हो जाएगा वो वहां पे, तो 1/K इक्विलिब्रियम अगर रिएक्शन को हम रिवर्स करें तो, राइट, प्रोडक्ट रिएक्टेंट जो है वो इंटरचेंज हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली जो अभी ये प्रोडक्ट वाला पार्ट था वो रिएक्टेंट हो जाएगा और जो रिएक्टेंट वाला पार्ट है वो प्रोडक्ट हो जाएगा, दोनों ऊपर नीचे हो जाएंगे। अगर हम किसी रिएक्शन को एन से मल्टीप्लाई करें तो फॉर रिएक्शन मल्टीप्लाइड बाय एन, अगर हम किसी रिएक्शन को एन से मल्टीप्लाई करें, जैसे कि यहां पे हमने एन से मल्टीप्लाई किया इस रिएक्शन को, ठीक है, तो इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या लिख पाएंगे, के इक्विलिब्रियम डबल डैश लेट्स राइट दिस। सो इस रिएक्शन के लिए चलो प्रोडक्ट कौन है, सी कितनी बार हो गया अभी एनसी टाइम हो गया, डी कितनी बार हो गया एनडी टाइम्स हो गया, ए कितनी बार हो गया एनए टाइम्स हो गया, बी कितनी बार हो गया एनबी टाइम्स हो गया, इन सब में से एन पावर को हम अलग से बाहर निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा सी पावर सी, डी पावर डी, ए पावर ए, बी पावर बी, ये सब कितनी बार है पावर एन टाइम्स। अब ये क्या था, ओरिजिनल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, राइट, दैट इज। तो अगर हम किसी भी रिएक्शन को एन से मल्टीप्लाई करें तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की क्या हो जाएगा, एन पावर टाइम्स हो जाएगा, कितने टाइम्स हो जाएगा एन पावर टाइम्स, के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर एन से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, जो ओरिजिनल था उसका कितना हो जाएगा रेस टू एन टाइम्स हो जाएगा, फाइन। अब इसको एक बहुत अच्छे एग्जांपल लेके समझते हैं, लेट्स टेक वन एग्जांपल ऑफ दिस, देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। आपको यहाँ पे हैस लॉ का नॉलेज होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हैस लॉ अगर आपको आता होगा तभी आप समझ सकते हो कि कैसे आप रिएक्शन को मल्टीप्लाई या एड करके फाइनल रिएक्शन तक जा सकते हो। ओके, आई मेक अ वेरी सिंपल मार्क हियर, इफ रिएक्शंस आर एडेड, अगर हम किसी रिएक्शन को एड कर रहे हैं ना, देन इट्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज मल्टीप्लाइड, इट्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज व्हाट मल्टीप्लाइड, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर हम दो रिएक्शन को प्लस करेंगे तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्लस नहीं होगा, क्या होगा उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो मल्टीप्लाई होगा। विल सी दैट, लेट मी गिव यू वन वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ दिस, इफ आई एम गिविंग यू एक्स प्लस टू वाई विल गिव टू जेड, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है के वन, एक दूसरा रिएक्शन दिया हुआ है पी प्लस वाई विल गिव एक्स, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है के टू, हमें फाइंड करना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ, फाइन के इक्विलिब्रियम ऑफ 2z प्लस 2p विल गिव 3x, राइट, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना होगा, दिस इज अवर क्वेश्चन, राइट। तो हमें ये दो दिए हुए हैं, दोनों का कांस्टेंट दिया हुआ है और एक तीसरा रिएक्शन दिया है, इसका फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ दिस टू। अब कैसे करेंगे, सबसे पहले ये सोचो कि अपना जो फाइनल आंसर हमें चाहिए, इस फाइनल आंसर में हमें कौन किस बाजू चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमें इस इक्वेशन को मॉडिफाई करना पड़ेगा। सो वेरी फर्स्ट थिंग आई कैन सी जेड, मेरे फाइनल आंसर में मुझे 2z चाहिए कहां पे, लेफ्ट साइड पे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस रिएक्शन नंबर 1 को घुमाना पड़ेगा, 2z जो चाहिए लेफ्ट साइड के ऊपर क्या करेंगे, इस रिएक्शन को घुमा देंगे, घुमा दो रिएक्शन को क्या हो जाएगा, 2z विल गिव्स एक्स प्लस 2y। अब जैसे ही रिएक्शन को घुमाया ये क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, अभी हमने आगे देखा ये कितना हो जाएगा 1/K1, कितना हो गया ये 1/K1, चलो फाइन। तो हमारा 2z आ चुका है, अब हमें चाहिए 2p, 2p कहां पे चाहिए, हमें लेफ्ट पे चाहिए, ये रहा पी, पी है यहां पे लेफ्ट पे, हमें चाहिए 2p, यहां पे खाली पी है, क्या करेंगे, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो और ऐड करो, तो इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2p प्लस 2y विल गिव 2x। अब जैसे ही हमने इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, यहां पे क्या हो जाएगा, के का कितना पावर लग जाएगा, 2 पावर, जैसे मैंने अभी आगे बताया आपको, कितना पावर लग जाएगा इसका 2 पावर। अब दोनों को ऐड करके देखते हैं, सीरियस जैसे ही ऐड करेंगे 2y कट, क्या बचा यहां पे, 2z प्लस 2p विल गिव्स 2x प्लस x 3x। नाउ फोकस ऑन दिस, अगर दो रिएक्शन को हमने ऐड किया तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो ये फाइनल आंसर का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही दोनों का मल्टीप्लिकेशन, व्हाट इज दैट, 1/K1 इंटू K2 स्क्वायर, आई कैन राइट दिस एज K2 स्क्वायर बाय K1, दिस विल बी द फाइनल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन, राइट। तो ऐसे आपके बहुत सारे एग्जांपल आपको मिलेंगे अलग अलग बुक्स के अंदर, यू कैन प्रैक्टिस मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस, फाइनल लॉजिक विल बी दिस,
जो फाइनल आंसर लाना है उस आंसर को चेक करो कि उसमें कौन किस बाजू चाहिए, अकॉर्डिंगली जो इक्वेशन दी है उसको हम प्लस माइनस आगे पीछे करके लिखेंगे एंड फाइनली कट करेंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में ध्यान रखना है, रिएक्शन को उल्टा किया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, वन बाई, अगर रिएक्शन को किसी चीज से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पावर जो भी मल्टीप्लाई किया वो लग जाएगा। एंड फाइनली जब रिएक्शन को हम प्लस करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस नहीं होगा। फाइन, चलो आगे बढ़ेंगे यहां से। अब नाउ द नेक्स्ट थिंग इन द कंटेंट इज टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। दिस इज वेरी सिंपल थिंग, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, दिस इज वेरी सिंपल थिंग, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। दो टाइप के इक्विलिब्रियम होंगे, एक होगा होमोजीनियस, राइट, और दूसरा होगा हेटरोजीनियस। राइट, यू ऑल आर वेल अवेयर अबाउट व्हाट इज होमोजीनियस, व्हाट इज हेटरोजीनियस। सो होमोजीनियस मतलब क्या होगा, ऑल आर इन सेम फेस, ऑल इन द सेंस ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट, सब कुछ एक ही फेस में होगा तो होमोजीनियस। अगर अलग अलग फेस में है, ऑल आर नॉट इन सेम फेस, तो उसे क्या कहेंगे हम, हेटरोजीनियस इक्विलिब्रियम। दिस इज होमोजीनियस। लेट्स एक वेरी सिंपल एग्जांपल, जो भी हमने आगे दिया भी था, अमोनिया का N2 गैस प्लस 3H2 गैस विल गिव्स 2NH3 गैस। अगर हम देखें सब कुछ एक ही स्पेस के अंदर है गैस, तो ये हो जाएगा होमोजीनियस। एक बार एग्जांपल लेते हैं, एस्टर प्लस वॉटर विल गिव व्हाट, एसिड प्लस एल्कोहल। अगेन यू कैन सी सबका फेस एक ही है, सबको एक्वियस मीडिया में ही है, तो ये भी किसके एग्जांपल में आएगा, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। हाइड्रोजीनियस, अगर क्लोज कंटेनर में हमने कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया, क्या मिलेगा यहां पे, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यहां देखिए ध्यान से, सॉलिड सॉलिड और ये हो गया एक गैस। अब जैसे ही ये गैस में आ गया, व्हाट विल हैपन, राइट, जैसे ये गैस में आ गया, ये मिक्सचर कैसा हो गया, अभी हेटरोजीनियस हो गया, तो यहां पे जो इक्विलिब्रियम होगा वो कैसा होगा, हेटरोजीनियस इक्विलिब्रियम। अब हेटरोजीनियस इक्विलिब्रियम में जो बात याद रखनी है कि इसका जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बनाएंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में हमें खाली कंसिडर करना है गैस एंड एक्वियस को ही, हम सॉलिड और लिक्विड के कॉन्सेंट्रेशन को कंसिडर नहीं करेंगे। रीजन है, सॉलिड और लिक्विड का कॉन्सेंट्रेशन, सॉलिड और लिक्विड के कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है उसका डेंसिटी, और किसी भी सॉलिड और लिक्विड का डेंसिटी जनरली कभी चेंज होता नहीं है, तो वो हो जाएगा कॉन्स्टेंट, तो उसको हमें इक्विलिब्रियम के इक्वेशन में रखना नहीं है, राइट, ओके। अगर इस एग्जाम्पल में देखे हम, तो अगर मैं ओवरऑल की इक्विलिब्रियम लिखू तो वो डायग्राम है, इट इज गोइंग टू बी CaO वन टाइम, CO2 वन टाइम, डिवाइड बाई CaCO3 वन टाइम, ऐसा लिख सकते हैं हम। बट जैसे कि मुझे दिख रहा है कि CaO सॉलिड है, CaCO3 भी क्या है, सॉलिड, और सॉलिड का डेंसिटी इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन जो कभी चेंज ही नहीं होने वाला, तो ये दोनों तो कैसे हो जाएंगे कॉन्स्टेंट, ये भी क्या है कॉन्स्टेंट, सारे कॉन्स्टेंट की बाजू ले लो, हम क्या लिखेंगे इसका, Kc इक्वल टू, खाली कौन बाकी बचेगा, CO2 ही बाकी बचेगा, कौन बाकी बचेगा, खाली CO2 कॉन्सेंट्रेशन ही बाकी बचेगा। इक्विलिब्रियम में सॉलिड या लिक्विड को गिनना नहीं है, खाली किसे गिनेंगे, गैस एंड एक्वियस को ही गिनेंगे। फाइन, नाउ लेट्स डिराइव केपी केपी हम जनरली यूज करेंगे जब इक्विलिब्रियम के अंदर मिक्सचर में कोई गैस प्रेजेंट हो। अगर गैस प्रेजेंट हो तो गैस जो है उसका प्रेशर, दैट वी कैन से कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि जितना ज्यादा गैस होगा उतना ज्यादा प्रेशर होगा, और जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ज्यादा वी कैन से कॉन्सेंट्रेशन, राइट। सो गैस का कॉन्सेंट्रेशन हम दिखा सकते हैं किससे, उसके प्रेशर से। तो अगर मैं आपको ऐसा रिएक्शन दू, कोई ए मोल ऑफ ए गैस, बी मोल ऑफ बी गैस, इसने दिया सी मोल ऑफ सी गैस प्लस डी मोल ऑफ डी गैस। अब जैसे मुझे यहां पर सब कुछ गैस में दिखा, मतलब मैं इसका प्रेशर यूज कर सकता हूं,
तो अगर हम प्रेशर यूज करें क्या होगा यहां पे केपी इक्वल टू डू द सेम थिंग प्रोडक्ट अपन रिएक्टेंट बट केपी है तो हम क्या यूज करेंगे प्रेशर तो हम क्या लिखेंगे प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट सी कितनी बार है वो सी टाइम्स प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट बी कितनी बार है स्मॉल थ्री टाइम्स प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट ए कितनी बार है वो ए टाइम्स प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट बी कितने टाइम है वो बी टाइम्स तो ये हो गया उसका केपी राइट नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग केपी केसी रिलेशन वेरी इंपॉर्टेंट केपी केसी रिलेशन राइट तो केपी केसी रिलेशन अगर डिराइव करना है सो हमने केपी तो ऑलरेडी लिख दिया हुआ है अब अगर इसके केसी लाना है हमें कैसे लाएंगे तो प्रेशर हम क्या लिखेंगे आइडियल गैस इक्वेशन से विल कंसिडर आइडियल गैस इक्वेशन ठीक है आइडियल गैस इक्वेशन क्या कहता है पीवी इक्वल टू एनआरटी तो हम क्या लिखेंगे पी इक्वल टू एन बाई वी आर टी एन क्या होता है मोल V क्या होता है कॉन्सेंट्रेट वॉल्यूम तो ये हो गया मोल पर वॉल्यूम दैट इज मोल पर लीटर का मतलब क्या होता है मोलारिटी एंड मोलारिटी मतलब व्हाट कॉन्सेंट्रेशन तो ये हम लिख सकते हैं सी आर टी व्हाट इज सी सी इज इक्वल टू मोल बाय वॉल्यूम दैट इज कॉन्सेंट्रेशन और मोलारिटी ऐसा हम लिख सकते तो मैं हर एक जगह प्रेशर की जगह क्या लिखने वाला हूं सी आर टी लेट्स राइट द सी आर टी हियर सो वी कैन राइट केपी इक्वल टू हम क्या लिखेंगे प्रेशर की जगह पे सी आर टी ये किसके लिए है सी के लिए कितने टाइम है स्मॉल सी टाइम यहां पे सी आर टी किसके लिए डी के लिए कितनी बार है स्मॉल डी टाइम्स यहां पे सी आर टी ए टाइम्स फॉर ए सी आर टी बी टाइम्स फॉर बी राइट अब हम क्या करेंगे सब में आर टी वाले टर्म को साथ में ले लेंगे सी वाले टर्म को साथ में ले लेंगे दिस विल बिकम सी रेस टू सी पावर सी रेस टू डी पावर डी सी रेस टू ए पावर ए एंड सी रेस टू बी पावर बी सब आरटी वाले को साथ में अगर लिखे तो ऊपर आरटी पावर बनेगा सी प्लस डी नीचे आरटी पावर बनेगा ए प्लस बी जो हम ऊपर लेंगे तो माइनस हो जाएगा राइट नाउ व्हाट इज दिस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ये अल्टीमेटली क्या है केसी है तो ये हो गया केसी यहां पर क्या था केपी तो केपी इक्वल टू केसी इंटू आरटी रेस टू नाउ व्हाट इज सी प्लस डी सी एंड डी प्रोडक्ट में गैस कितना है उसके मोल ए एंड बी रिएक्टेंट में गैस कितना है उसके मोल ओके तो हम यहां पे क्या लिखेंगे केसी इक्वल केपी इक्वल टू केसी इंटू आरटी रेस टू आरटी रेस टू क्या करेंगे आरटी रेस टू डेल्टा एन जी क्या लिखेंगे डेल्टा एन जी क्या है डेल्टा एन जी तो डेल्टा एन जी है ये क्या था प्रोडक्ट क्या था ये नंबर ऑफ गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट ये क्या था नंबर ऑफ गैसियस मोल ऑफ रिएक्टेंट तो क्या लिखेंगे हम इसको डेल्टा एन जी इक्वल टू एन जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एन जी ऑफ रिएक्टेंट खाली गैसेस को ही गिनना है एन जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एन जी ऑफ रिएक्टेंट ओके दैट इज व्हाट डेल्टा एन जी तीन रिलेशन बन सकते हैं इसके ऊपर से अगर एन जी पॉजिटिव है कब पॉजिटिव होगा ये जब गैसियस प्रोडक्ट ज्यादा हो गैसियस रिएक्टेंट से मतलब अगर ये बड़ा है ये छोटा है तो डेल्टा एनजी कैसा होगा पॉजिटिव अगर डेल्टा एनजी पॉजिटिव है विल गेट केपी इज ग्रेटर देन केसी क्या मिलेगा हमें केपी ग्रेटर देन केसी सेकंड अगर डेल्टा एनजी लेस देन जीरो है कब होगा लेस देन जीरो जब ये कम हो ये ज्यादा हो मतलब गैसियस रिएक्टेंट ज्यादा हो गैसियस रिएक्टेंट ज्यादा होगा क्या मिलेगा केपी इज लेस देन केसी ओके एंड अगर डेल्टा एनजी जीरो हो जाए कब होगा ऐसा व्हेन रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स आर सेम इन गैसियस मोल तो हम क्या लिखेंगे अगर ये जीरो हो गया यहां पे तो किसी भी नंबर का जीरो पावर हो जाएगा वन तो बचा क्या केपी इक्वल टू केसी ओके दिस इज हाउ वी कैन डिराइव द रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी आई विल गिव यू वन और टू एग्जांपल्स ऑफ दिस दैट विल बी वेरी क्लियर के कैसे हम केपी केसी का रिलेशन बहुत इजीली डिसाइड कर सकते हैं सो आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ दिस वी हैव द रिलेशन रिलेशन क्या कहता है केपी इक्वल टू केसी इंटू आरटी रेस टू डेल्टा एनजी ओके केपी इक्वल टू केसी इंटू आरटी रेस टू डेल्टा एनजी फाइन लेट्स सी कैसे हम इसको एग्जांपल्स के फॉर्म में समझेंगे फर्स्ट एग्जांपल अगर मैं आपको ऐसा दे रहा हूं एन टू प्लस थ्री एच टू विल गिव टू एन एच थ्री
चलो डिसाइड करते हैं कौन बड़ा होगा, केपी के केसी। ओके चलो कैसे डिसाइड करेंगे, तो यहां पे पहले ये किलो गैस कितने मोल है गैस के, तो गैसियस रिएक्टेंट है 3+1, ये भी गैस 3 मोल, ये भी गैस 1 मोल, कितने रिएक्टेंट हो गए 3+1, तो गैसियस रिएक्टेंट है 4। प्रोडक्ट के पास जाते हैं, नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, अगर आप प्रोडक्ट के बाजू गए कि गैस है यहां पे कितने मोल है 2 मोल, कौन ज्यादा है प्रोडक्ट के रिएक्टेंट, रिएक्टेंट ज्यादा है। तो अभी हमने क्या देखा आगे रिलेशन में, अगर डेल्टा एनजी ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा है ओके तो क्या हो जाएगा यहां पे कौन बड़ा हो जाएगा, केपी विल बी लेस देन, केपी विल बी लेस देन केसी राइट। अगर हम डेल्टा एनजी निकालें तो डेल्टा एनजी क्या होगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, कितना होगा ये -2। ठीक है फाइन, क्या करेंगे हम आगे, अगर रिलेशन में रखना है सो केपी इक्वल टू केसी इंटू आरटी रेस टू डेल्टा एनजी -2, -2 तो कहां चला जाएगा नीचे, तो ये हो गया केपी इक्वल टू केसी अपन आरटी स्क्वायर। ठीक, वन मोर एग्जांपल लेट्स टेक, अगर हम ले रहे हैं CaCO3 डीकम्पोजिशन रिएक्शन विल गिव CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। ठीक है, अगर हमें यहां पे केपी केसी रिलेशन चाहिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पे कितने गैसियस प्रोडक्ट है वो गिनेंगे, रिएक्टेंट कितने हैं, सॉलिड है क्या, तो रिएक्टेंट तो है ही नहीं गैस में कुछ भी, प्रोडक्ट सॉलिड नहीं गिनना गैस में, इसको गैस आया यहां पे कितने मोल है, यहां पे 1 मोल गैस का। ठीक है, तो अगर इसका डेल्टा एनजी निकाले, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कितना हो गया ये 1 हो गया, रिलेशन में रखते हैं केपी इक्वल टू केसी इंटू आरटी रेस टू डेल्टा एनजी कितना है 1, सो क्या मिला हमें केपी इक्वल टू केसी इंटू आरटी, कौन बड़ा आएगा, वेरी ऑब्वियस डेल्टा एनजी ग्रेटर देन 0 है, कौन बड़ा आ जाएगा केपी इज ग्रेटर देन केसी। दिस इज हाउ यू कैन वेरी इजीली डिसाइड कि केपी और केसी के बीच में क्या रिलेशन है राइट। ओके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एप्लीकेशन क्या है, फर्स्ट एप्लीकेशन इज टू प्रेडिक्ट एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, टू प्रेडिक्ट व्हाट एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, मतलब रिएक्शन खत्म होने से पहले कितने एक्सटेंट तक आगे बढ़ा है राइट, क्या वो रिएक्शन यूजफुल है कि नहीं है, कैसे पता चलेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से, सी हाउ वी कैन डू दिस। सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, आई विल राइट इन वेरी सिंपल वे, प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन राइट, प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट, वेरी सिंपल थिंग। अगर केसी का वैल्यू बहुत बड़ा आया 1000 से बड़ा, किसी का वैल्यू कब बढ़ाएगा, जब प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है रिएक्टेंट बहुत कम है, इसका मतलब प्रोडक्ट बहुत मिल चुका है रिएक्टेंट बचा ही नहीं है कुछ, मतलब दिस रिएक्शन विल बी ऑलमोस्ट फिनिश एट द एंड राइट, ये एकदम से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा उसके बाद जाके रिएक्शन खत्म होगा, मतलब ये रिएक्शन हम यूज कर सकते हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए। सो अगर केसी इज ग्रेटर देन 10:3 है हम क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट विल डोमिनेट, ये प्रोडक्ट बहुत ज्यादा होगा राइट, और वी कैन राइट रिएक्शन प्रोसीड मोर, और वी कैन राइट रिएक्शन प्रोसीड टू गिव मोर प्रोडक्ट। अगर मान लो केसी वैल्यू बहुत छोटा आया 0.0001 से भी छोटा आया, तो कब ये छोटा आएगा, जब प्रोडक्ट बहुत कम होगा और रिएक्टेंट बहुत ज्यादा होगा। प्रोडक्ट बहुत कम है मतलब प्रोडक्ट बना ही नहीं है, रिएक्शन तो पहले ही इक्विलिब्रियम में आ गया, तो हम क्या करेंगे यहां पे, प्रोडक्ट इज वेरी लेस, मतलब रिएक्शन इज नॉट प्रोसीडिंग मच, रिएक्शन आगे जा ही नहीं रहा ज्यादा, पहले ही वो इक्विलिब्रियम में आ गया। अगर इन दोनों के बीच में है तो कहीं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो हम ऐसा कहेंगे कि रिएक्टेंट भी कुछ सफिशियंट अमाउंट में है, प्रोडक्ट भी कुछ सफिशियंट अमाउंट में बना है और उसके बाद इक्विलिब्रियम हुआ है, तो रिएक्शन एंड रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इन कंसिडरेबल अमाउंट,
ऐसा हम कह सकते हैं. ओके, तो दिस इज व्हाट द बेसिक आइडिया वी कैन गेट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट. सेकंड, टू प्रेडिक्ट डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन. द सेकंड वन इज टू प्रेडिक्ट डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में आगे जाएगा. टू प्रेडिक्ट डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, लेट्स सी हाउ वी कैन डू दिस. सो अगर हमें किसी पर्टिकुलर टाइम पे ऐसा पूछा है कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, रिवर्स जाएगा कि इक्विलिब्रियम में होगा, राइट, तो हमें क्या करना है, उसका रिएक्शन क्वेश्चन निकालना है, क्यूसी. क्या निकालना है हमें उसका, क्यूसी निकालना है. सी हाउ वी कैन फाइंड द क्यूसी, वेरी सिंपल. अगर हमें ऐसा कोई रिएक्शन दिया है ए प्लस बी विल गिव सम सी प्लस डी, तो इसका रिएक्शन क्वेश्चन क्यूसी इज नन अदर देन प्रोडक्ट पन रिएक्टर. तो फर्क क्या है क्यू और के में, फर्क ये है कि के जो है वो खाली इक्विलिब्रियम पे ही मिलता है, दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. एंड क्यू जो है वो हम किसी भी टाइम पे फाइंड कर सकते हैं. के खाली कहां मिलेगा, इक्विलिब्रियम पे, और क्यू जो है हम किसी भी टाइम पे फाइंड कर सकते हैं. तो हमें जो टाइम के ऊपर पूछा है रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा रिवर्स जाएगा, उस टाइम के ऊपर क्यू फाइंड कर दो. तो क्यू क्या होगा, प्रोडक्ट. अभी मैंने एक एक बारी लिया है दोनों को, अपन रिएक्टेंट, राइट. इसके हमें के कुछ भी दिया होगा, व्हाट एवर केसी इज गिवन, ठीक है. अब जैसे ही हमने क्यू निकाला, हम इस क्यू को कंपेयर करेंगे के के साथ. अगर Q का वैल्यू K से बड़ा हो गया, मतलब रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम के आगे निकल चुका है, Q बड़ा हो गया, तो फिर उसको कहां आना पड़ेगा, रिवर्स आना पड़ेगा. क्योंकि Q बड़ा हो गया, रिएक्शन आगे निकल गया इक्विलिब्रियम के भी, तो उसे कहां आना पड़ेगा, रिवर्स आना पड़ेगा. अगर Q छोटा है तो अब वो इक्विलिब्रियम तक पहुंचा ही नहीं है, क्या होगा, उसको फॉरवर्ड जाना पड़ेगा इक्विलिब्रियम पे आने के लिए. अगर Q और K सेम है तो वेरी सिंपल, सेम है इक्विलिब्रियम हो गया है, ठीक है. एक सिंपल एग्जांपल देता हूं मैं. सपोज मान लो कि इसी क्वेश्चन में हमें केसी का वैल्यू दिया हुआ है 10, सपोज. ओके, पर इक्विलिब्रियम पे और सम अदर टाइम हमें इन सबके कॉन्सेंट्रेशन दिए हुए हैं. सपोज मानते हैं इसका कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है हमें 1, ए का कॉन्सेंट्रेशन दिया है 1, बी का कॉन्सेंट्रेशन हमें कुछ दिया हुआ है 2, सी का कॉन्सेंट्रेशन कुछ दिया हुआ है 4, और डी का कॉन्सेंट्रेशन कुछ दिया हुआ है 9, राइट. एट सम टाइम दिस कॉन्सेंट्रेशन आर गिवन, केसी इज गिवन. अब हमें ये पूछा है क्या रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा के रिवर्स आएगा, क्या करेंगे, क्यूसी फाइंड करते हैं. चलो क्यूसी इज इक्वल टू प्रोडक्ट, कितना है 4 × 9, एक एक बारी है दोनों, डिवाइड बाय रिएक्टेंट 1 × 2. मैंने कुछ नहीं किया यहां पे, खाली वैल्यूज डाल दिए जो एबीसीडी के दिए वो अकॉर्डिंगली. अगर यहां पर कुछ सोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट है तो हम पावर लगाएंगे जैसे हम के में लगाते थे. कितना हुआ ये 36/2, कितना आया 18. अब के कितना लिया 10, क्यू कितना आ गया 18, वेरी ऑब्वियस. क्यू क्या हो गया, के से बड़ा हो गया, आगे चला गया क्यू, कहां आना पड़ेगा उसको, वापस आना पड़ेगा. तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में होगा, रिवर्स डायरेक्शन एट दैट गिवन टाइम. किस डायरेक्शन में होगा रिएक्शन, रिवर्स डायरेक्शन में होगा. तो ये दो एप्लीकेशन है इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट का. एक हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि रिएक्शन जो है वो कितने एक्सटेंट तक खत्म हो रहा है, दूसरा हम डिसाइड कर सकते हैं किसी भी टाइम के ऊपर रिएक्शन फॉरवर्ड आएगा के रिवर्स जाएगा. चलो मूविंग फॉरवर्ड, वन वेरी सिंपल फॉर्मूला, रिलेशन बिटवीन क्यू के एंड क्यूसी. रिलेशन बिटवीन क्यू के एंड डेल्टा जी. ओके, सो डेल्टा जी यू मस्ट बी अवेयर अबाउट गिव्स फ्री एनर्जी. क्या कहता है थर्मोडायनेमिक्स, अगर डेल्टा जी लेस देन जीरो है रिएक्शन कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस. अगर डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो है रिएक्शन कैसा होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस. अगर डेल्टा जी इक्वल टू जीरो है रिएक्शन कैसा होगा, इक्विलिब्रियम में, ठीक है. अब इन द केमिकल इक्विलिब्रियम वी हैव द वेरी सिंपल रिलेशन दैट द डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी जीरो प्लस आरटी एलएन क्यू. क्या रिलेशन है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी जीरो प्लस आरटी एलएन के, राइट. डेल्टा जी जीरो मतलब स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी. क्या है डेल्टा जी जीरो, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी. टी इज अ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, क्यू इज अ रिएक्शन क्वेश्चन, जो भी हमने आगे डिसाइड किया, राइट. अब अगर इक्विलिब्रियम हो गया तो इक्विलिब्रियम के ऊपर डेल्टा जी तो कितना हो जाता है जीरो, और इक्विलिब्रियम पर क्यू कितना हो जाता है केसी जितना, ठीक है. रखे यहां पे तो डेल्टा जी कितना हो गया तो जीरो. डेल्टा जी जीरो वैल्यू व्हाटएवर इट इज, आरटीएल क्यू की जगह क्या रख देंगे हम, केसी रख देंगे.
पूरे टर्म को सामने लेंगे क्या हो जाएगा, डेल्टा जी जीरो इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के, ठीक है ओके राइट। अगर हमें के का वैल्यू फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ ई, क्या होगा ये माइनस आर टी को सामने ले, ये रिलेशन हो गया डेल्टा जी इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के, इसको नीचे ले लो माइनस साइन के साथ, क्या बना यहां पे ये एल एन ई रेस टू के, के फाइंड करना है, एल एन सामने आएगा तो ये पूरा टर्म कहां चला जाएगा ई के पावर में, एल एन अगर सामने आया पूरा टर्म कहां चला जाएगा ई के पावर में, तो ये हो जाएगा के इक्वल टू ई पावर माइनस डेल्टा जी बाई आर टी, के इक्वल टू ई पावर माइनस डेल्टा जी बाई आर टी राइट। तो ये एक बेसिक रिलेशन है किसके बीच में, डेल्टा जी और के बीच में। अब अगर यहां से हम देखें डेल्टा जी इज लेस देन जीरो, कैसा होगा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का के कितना होगा ग्रेटर देन वन, क्या हो सके ग्रेटर देन वन। अगर डेल्टा जी कैसा है ग्रेटर देन जीरो है तो रिएक्शन कैसा होगा नॉन स्पॉन्टेनियस, रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है तो उसका के कैसा होगा लेस देन वन। अगर डेल्टा जी इक्वल टू जीरो है रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ चुका है, के कैसा होगा इक्वल टू वन, यू कैन इजीली रिमेंबर दिस, डेल्टा जी लेस देन जीरो के ग्रेटर देन वन, डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो के लेस देन वन, डेल्टा जी इक्वल टू जीरो के इक्वल टू वन राइट। फाइन नाउ लास्टली वी विल डिस्कस द वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग ली चैटेलियस प्रिंसिपल, ली चैटेलियस प्रिंसिपल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द केमिकल इक्विलिब्रियम। मैं इसका स्टेटमेंट आपको बहुत सिंपल तरीके से दूंगा, नीचे चलिए रखा स्टेटमेंट कुछ ऐसा कहता है कि इक्विलिब्रियम हो जाने के बाद अगर हमने बाहर से कुछ डिस्टर्ब किया, इक्विलिब्रियम हो जाने के बाद अगर हमने बाहर से कुछ डिस्टर्बेंस किया, कैसे कर सकते हैं डिस्टर्बेंस, वी कैन डिस्टर्ब बाय एडिंग रिएक्टेंट, या तो रिएक्टेंट डाल दो या प्रोडक्ट निकाल दो, या टेम्परेचर चेंज करो प्रेशर चेंज करो राइट कैटलिस्ट डाल दो ठीक है। तो अगर इक्विलिब्रियम हो जाने के बाद अगर हमने कुछ बाहर से छेड़खानी की उसके साथ, बाहर से अगर हमने कुछ डिस्टर्बेंस किया, तो जो इक्विलिब्रियम है ना वो सेल्फ एडजस्टिंग है, वो क्या करेगा अपने आप खुद को वापस एडजस्ट करके इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, मतलब हमने जो चेंज किया ना वो चेंज वापस कैसा हो जाएगा नलीफाइड हो जाएगा ठीक है। तो अगर हमने सिस्टम को डिस्टर्ब किया तो रिएक्शन इस तरह से प्रोसीड होगा जिससे हमने जो चेंज किया है वो चेंज वापस क्या हो जाए नलीफाई हो जाए और वापस इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाए राइट। तो वेरी सिंपल है, हम ये इनिशियल प्रिंसिपल को लिखेंगे, इफ इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब, मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखूंगा बिकॉज कभी तो आपको इसका स्टेटमेंट नहीं आने वाला एग्जाम में, ए आएगा ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ एग्जाम्पल राइट। अगर इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया तो क्या होगा रिएक्शन प्रोसीड इन सच अ डायरेक्शन, रिएक्शन प्रोसीड इन सच अ डायरेक्शन दैट द इफेक्ट ऑफ चेंज इज नलीफाइड, जो भी हमने चेंज किया है उस चेंज का इफेक्ट वापस क्या हो जाएगा नलीफाई हो ही जाना है, इक्विलिब्रियम वापस अपने आप को क्या करेगा एडजस्ट कर ही लेगा ठीक है ओके। अब किस किस तरह से हम सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकते हैं, तो सबसे पहला डिस्टर्बेंस हम करा सकते हैं बाय चेंजिंग द कॉन्सेंट्रेशन, लेट्स सी दैट फर्स्ट वन, बाय चेंजिंग कॉन्सेंट्रेशन ठीक है। अगर मैंने बहुत सिंपल बात है, अगर यहां पे सपोज कोई रिएक्शन दिया है ए बी विल गिव सी एन डी, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो चुका है राइट। अब जरा मेरे हाथों में ध्यान रखिए कैसे करेंगे हम इसको, ये रिएक्टेंट है ये प्रोडक्ट है ठीक है, सी दिस, अगर हमने इक्विलिब्रियम आने के बाद और रिएक्टेंट डाल दिया, सी दिस इज रिएक्टेंट, हमने इक्विलिब्रियम आने के बाद क्या किया और रिएक्टेंट डाल दिया, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, तो क्या करेंगे इक्विलिब्रियम में लाने के लिए, समझ लो कि यहां पे ना पानी का फ्लो होना है सपोज राइट। तो अगर यहां पे लेवल ऊपर आ गया क्या करेंगे हम, यहां से इसको प्रेस करेंगे, जैसे यहां से प्रेस किया पानी सारा कहां जाएगा इस डायरेक्शन में जाएगा, कहां जाएगा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में, वेरी सिंपल थिंग। वापस देखिए अगर रिएक्टेंट बढ़ाया
राइट, यहां से दबाना पड़ेगा, कहां जाएगा पानी इस डायरेक्शन में, रिएक्शन कहां गया फॉरवर्ड। उसी तरह से अगर मान लीजिए हमने क्या किया रिएक्टेंट, रिएक्टेंट को हमने क्या किया घटा दिया, कैसे आएगा वापस बैलेंस में, यहां से दबाना पड़ेगा, कहां जाएगा पानी इस डायरेक्शन में, तो रिएक्शन कहां जाएगा रिवर्स। तो इक्विलिब्रियम आने के बाद अगर हमने और रिएक्टेंट डाला, रिएक्शन कहां जाएगा फॉरवर्ड। अगर हमने इक्विलिब्रियम आने के बाद रिएक्टेंट निकाल दिया, रिएक्शन कहां जाएगा रिवर्स। प्रोडक्ट की बात करते हैं, इक्विलिब्रियम आने के बाद अगर हमने प्रोडक्ट बढ़ा दिया, प्रोडक्ट क्या किया बढ़ा दिया, क्या होगा वापस समझिए, चलो अब यहां से दबाना पड़ेगा, पानी कहां जाएगा रिवर्स डायरेक्शन में। तो अगर प्रोडक्ट बढ़ा दिया कहां जाएगा रिएक्शन रिवर्स जाएगा। इक्विलिब्रियम आने के बाद अगर हमने प्रोडक्ट को बाहर निकाल दिया, प्रोडक्ट को क्या किया हमने बाहर निकाल दिया, क्या करना पड़ेगा यहां से प्रेस करना पड़ेगा वापस, वैसे यहां से प्रेस करोगे पानी कहां जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। सो वेरी सिंपली वी कैन अंडरस्टैंड दिस एज, अगर हमने इक्विलिब्रियम आने के बाद रिएक्टेंट को बढ़ाया क्या होगा रिएक्शन कहां जाएगा फॉरवर्ड। इक्विलिब्रियम पे आने के बाद अगर रिएक्टेंट को घटाया कहां आएगा रिएक्शन रिवर्स। कटेंगे, इक्विलिब्रियम आने के बाद अगर हमने प्रोडक्ट को बढ़ा दिया, वापस देखिए प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या किया बढ़ा दिया, दवा यहां से कहां जाएगा ये रिवर्स। इक्विलिब्रियम आने के बाद अगर हमने प्रोडक्ट को घटा दिया, प्रोडक्ट घटा दिया दवा यहां से कहां जाएगा ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ओके, दिस इज हाउ वी कैन राइट इन वेरी सिंपल वे। तो अगर हमें फॉरवर्ड जाना है क्या क्या करना चाहिए, या तो रिएक्टेंट को ऐड करो या तो प्रोडक्ट को निकालते जाओ, या तो रिएक्टेंट को डालते जाओ या तो प्रोडक्ट को निकालते जाओ, रिएक्शन कहां जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इफेक्ट ऑफ चेंजिंग कॉन्सेंट्रेशन। सेकेंड फैक्टर देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, लेट्स सी दिस इफेक्टिव चेंज इन टेम्परेचर। अगर हमने टेम्परेचर चेंज किया फिर देखते हैं क्या होने वाला है। अब रिएक्शन दो तरीके से हो सकते हैं, या तो वह एंडोथर्मिक होगा, एंडोथर्मिक मतलब वो हीट को अब्सॉर्ब करेगा, या तो एक्सोथर्मिक होगा, एक्सोथर्मिक मतलब वो हीट को रिलीज करेगा। ओके, पहले देखते हैं व्हाट विल हैपन इफ इट इज एंडोथर्मिक। सर एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या हो सकता है, एंडोथर्मिक मतलब क्या होगा हीट इज अब्सॉर्ब, हीट अब्सॉर्ब का मतलब, हाँ ये ना एग्जाम में ऐसा लिख के दिया होता है एंडोथर्मिक मतलब डेल्टा एच कैसा होता है उसका पॉजिटिव होता है, कैसा होता है उसका डेल्टा एच पॉजिटिव एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके फाइन, क्या करेंगे एंडोथर्मिक मतलब रिएक्टेंट जो है उसने हीट लिया, उसने हीट लिया और फिर क्या बना प्रोडक्ट बना। वापस समझिए, रिएक्टेंट ने हीट लिया फिर क्या बना प्रोडक्ट बना। कटिंग इट, तो अब तो ये तो कॉन्सेंट्रेशन जैसा ही हो गया। समझिए, अब हीट कहां पर है हमारा, इस साइड है हीट, राइट, ये रहा रिएक्टेंट साइड है। अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया, कैसे बढ़ेगा टेम्परेचर हीट देने से, मतलब अगर हमने हीट दे दिया टेम्परेचर बढ़ा दिया वापस यहां पे बढ़ चुका है, क्या करेंगे यहां से दबाना पड़ेगा, कहां जाएगा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। समझिए, वापस एंडोथर्मिक है, हीट कहां पर है रिएक्टेंट के साइड है, क्या करेंगे अगर हम टेम्परेचर दिए, हमने टेम्परेचर दिया मतलब क्या किया और हीट दी, रिएक्टेंट बढ़ गए, समझो एक बार अगर हीट बढ़ गया क्या करना पड़ेगा यहां से दबाना पड़ेगा, रिएक्शन कहां जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है और हीट सप्लाई करो, हीट कैसे सप्लाई करेंगे टेम्परेचर बढ़ाएंगे हम, हीट सप्लाई किया टेम्परेचर बढ़ा कहां गया रिएक्शन फॉरवर्ड गया, कहां गया रिएक्शन फॉरवर्ड, यही एंडोथर्मिक रिएक्शन है। वापस देखिए इक्विलिब्रियम है, अगर हमने टेम्परेचर कम कर दिया मतलब अगर हमने हीट निकाल दी बाहर क्या होगा, यहां से प्रेस करना पड़ेगा, कहां जाएगा रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा, वेरी ऑब्वियस। समझिए वापस, हीट इज साइडर, अगर हमने टेम्परेचर कम कर दिया मतलब हीट को निकाल दिया क्या करेंगे यहां से प्रेस करेंगे, कहां जाएगा रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा, वेरी सिंपल थिंग। तो अगर हमने एंडोथर्मिक रिएक्शन का हीट निकाल दिया मतलब अगर हमने टेम्परेचर कम करा दिया कहां चला जाएगा रिएक्शन रिवर्स चला जाएगा। तो एंडोथर्मिक में किससे फायदा होगा, टेम्परेचर को बढ़ाने से फायदा होगा, बिकॉज रिएक्शन कहां जाएगा फॉरवर्ड जाएगा।
एक्सोथर्मिक दिखते क्या होगा, लेट्स सी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है, हीट विल बी रिलीज्ड, सो द हीट इज रिलीज्ड, हीट रिलीज एग्जाम में ऐसे लिख के दिया होता है, डेल्टा एच कैसा होगा उसका, नेगेटिव होगा, कैसा होगा डेल्टा एच उसका, नेगेटिव होगा। ठीक है, अब जरा समझते हैं ध्यान से, रिएक्टेंट तो है, अब हीट यहां पर ना रिलीज हो रहा है, मतलब रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट भी दे रहा है साथ साथ में हीट भी निकाल रहा है बाहर, बस अब ये वापस सिंपल हो गया आपके लिए। ठीक है, समझिए, अभी हीट इस साइड है, अगर एक्सोथर्मिक है तो हीट यहां पे होगा प्रोडक्ट के बाजू। चलो अगर तुमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, कैसे बढ़ेगा टेम्परेचर, देखिए यहां टेम्परेचर अगर बढ़ा दिया क्या होगा, हीट बढ़ा दी, टेम्परेचर बढ़ा दिया मतलब हीट बढ़ा दी, तो ये साइड ज्यादा हो गया, क्या करेंगे यहां से प्रेस करेंगे, कहां जाएगा रिएक्शन, रिवर्स चला जाएगा। तो यहां पे अगर हमने सपोज टेम्परेचर बढ़ा दिया, मतलब अगर हमने क्या किया, हीट बढ़ा दी, अगर हमने हीट बढ़ा दी तो रिएक्शन कहां चला जाएगा, कहां चला जाएगा रिएक्शन, यहां पे रिवर्स डायरेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, सेकेंडली चलिए, अगर ये बैलेंस है, हीट इस साइड है ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट यहां पर है, अगर हमने टेम्परेचर कम कर दिया, मतलब हमने क्या किया, हीट को बाहर निकाल दिया, क्या होगा, हीट को बाहर निकाल दिया, ये ज्यादा हो गया, यहां से क्या करेंगे, प्रेस करेंगे, कहां जाएगा पानी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, समझे। तो अगर हमने इसके अंदर सपोज टेम्परेचर को घटा दिया, मतलब हीट को हमने बाहर निकाल दिया, तो कहां गया था रिएक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया था। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में कहां से फायदा होगा हमें, टेम्परेचर कम कराने से फायदा होगा, रिएक्शन कहां जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा। तो एक बात को दिमाग में ताला मार लो कि एंडोथर्मिक किससे फायदा होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से, एक्सोथर्मिक किससे फायदा होगा, टेम्परेचर को घटाने से फायदा होगा। इज दैट क्लियर, ओके। नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं, इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर, लेट्स सी इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर, अ वेरी सिंपल थिंग, प्रेशर तो तभी पिक्चर में आएगा जब गैस होगा, अगर रिएक्शन में कोई गैस ही नहीं दिख रहा ना तो प्रेशर का कोई रोल होने वाला नहीं है, अगर गैस है तो फिर प्रेशर चेंज करने से यहां इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो सकता है, लेट्स सी हाउ वी कैन डू दिस। ओके सर, विल गिव यू विद द एग्जांपल ऑफ दिस, अगर मैं आपको यहां पर एग्जांपल दू, सपोज लेट्स टेक द अमोनिया फॉर्मेशन, N2 गैस, 3H2 गैस, वैल्यूज 2N3 गैस, ऐसे मैंने कहा प्रेशर मतलब गैस के साथ रिलेशन है डायरेक्ट। चलो यहां पे कितना टोटल गैस है, गिनते हैं नंबर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, गैसियस रिएक्टेंट 3, गैसियस रिएक्टेंट 1, कितना हो गया 4, नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, गैसियस प्रोडक्ट कितने हैं 2। अब जरा याद करिए आइडियल गैस इक्वेशन क्या कहता है, पीवी इक्वल टू एनआरटी, इसका मतलब प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ गैसियस मोल, इसका मतलब जितने ज्यादा गैसियस मोल उतना ज्यादा प्रेशर। ठीक है, अब यहां पे समझिए, यहां पे गैसियस मोल ज्यादा है, यहां पे गैसियस मोल कम है, तो अगर रिएक्शन फॉरवर्ड गया सपोज तो गैसियस मोल क्या हो रहा है, 4 से 2 हो रहा है, तो गैसियस मोल घटा, गैसियस मोल घटा तो प्रेशर भी क्या जाएगा, घटेगा, तो यहां पे क्या होगा, प्रेशर जो है वो घट जाएगा, अगर ये रिएक्शन खुद फॉरवर्ड गया तो, अगर ये रिएक्शन खुद फॉरवर्ड गया तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, अगर यही रिएक्शन अगर रिवर्स आया तो गैसियस मोल कितना हो रहा है, 2 से 4, गैसियस मोल बढ़ा तो यहां पे प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। अब हम सोचते हैं अगर हमने यहां पे सपोज बाहर से प्रेशर बढ़ा दिया, सोचो अगर हमने यहां से अगर बाहर से प्रेशर बढ़ा दिया ना, तो ली चटेलियर क्या कहता है, ली चटेलियर कहता है कि हमने अगर कुछ भी डिस्टर्ब किया तो जो भी रिएक्शन है वो इस तरह से होगा जिससे हमारा चेंज जो है वो नलीफाई हो जाएगा। तो हमने अगर प्रेशर बढ़ाया, सिस्टम क्या करेगा, प्रेशर को घटाएगा, देखिए यहां पे घटने के लिए वो किस डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो अगर हमने यहां पे बाहर से प्रेशर बढ़ाया, एक्सटर्नल प्रेशर अगर हमने बढ़ा दिया, एक्सटर्नल प्रेशर, प्रेशर कैसे बढ़ा सकते हैं, बाय डिक्रीजिंग द वॉल्यूम, ऐसे भी देते हैं एग्जाम में, वॉल्यूम कम करा दिया तो, राइट। तो अगर हमने बाहर से प्रेशर बढ़ाया, या हम क्या कहेंगे, हमने वॉल्यूम को घटा दिया, बाहर से प्रेशर बढ़ाया या वॉल्यूम को घटाया, तो
तो सिस्टम क्या करेगा, वापस इस प्रेशर को क्या करेगा, घटाने की ट्राई करेगा। प्रेशर घटने के लिए रिएक्शन कहां जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा 4-2 की तरफ। तो अगर हमने बाहर से प्रेशर बढ़ाया, सिस्टम क्या करेगा, इंटरनल प्रेशर घटाने की ट्राई करेगा। और प्रेशर घटने के लिए उसको कहां जाना है, फॉरवर्ड जाना है। कहां जाना है उसको, फॉरवर्ड जाना है। इसी रिएक्शन में अगर हमने सपोज मान लो बाहर से प्रेशर घटा दिया, मतलब अगर हमने वॉल्यूम बड़ा कर दिया, वॉल्यूम बड़ा कर दोगे वैल्यू ऑफ दिस प्रेशर जो कम हो जाएगा। हमने अगर प्रेशर कम किया, सिस्टम क्या करेगा, वापस उस प्रेशर को बढ़ाने की ट्राई करेगा। कहां जाएगा बढ़ने के लिए, वो रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा। तो सिस्टम क्या करेगा, प्रेशर को बढ़ाने की ट्राई करेगा, कहां जाएगा वो रिवर्स जाएगा। कहां जाएगा, रिवर्स। तो अब इसका आउटकम देखिएगा क्या होगा। अगर कैसियस रिएक्टेंट ज्यादा है ना, तो प्रेशर बढ़ा, फॉरवर्ड जाएगा रिएक्शन। कैसियस रिएक्टेंट ज्यादा है, गैसियस रिएक्टेंट ज्यादा है, जैसे यहां पे चार है, यहां पे दो है, तो रिएक्टेंट ज्यादा है। गैसियस, गैसियस रिएक्टेंट ज्यादा है, बाहर से प्रेशर बढ़ा, कहां जाएगा रिएक्शन, फॉरवर्ड जाएगा। तो मैं इसका आउटकम लिखने जा रहा हूं, आउटकम इज विल राइट दिस एज, अगर नंबर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट ज्यादा है नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट से, रिएक्टेंट में अगर ज्यादा गैस है इस बाजू, तो क्या करेंगे हम, बाहर से प्रेशर को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, तो रिएक्शन कहां जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा। समझे मेरा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो है वो, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, ओके, लेट्स कंसीडर इट इज 2CO2 विल गिव्स 2CO प्लस O2। सपोज मान लो इसमें इक्विलिब्रियम है, आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जांपल, सब कुछ गैस के फॉर्म में, प्रेशर विल बी इफेक्टिव। चलो गैसियस रिएक्टेंट, गैसियस रिएक्टेंट कितना है, दो है। गैसियस प्रोडक्ट यहां पे दो, यहां पे कितना है, यहां पे तीन। चलो मैंने समझाया, प्रेशर किस पर डिपेंड करता है, मोल पे। अगर रिएक्शन फॉरवर्ड गया तो मोल बढ़ा 2-3, तो 2-3 हुआ तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। अगर ये रिएक्शन रिवर्स आया तो मोल क्या हो रहा है, 3-2 हो रहा है, 3-2 मतलब मोल घटा तो प्रेशर भी क्या होगा, घटेगा। अब सिंपल ही सोचो, अगर हमने बाहर से प्रेशर बढ़ाया, हमने अगर बाहर से प्रेशर को बढ़ा दिया, प्रेशर कैसे बढ़ेगा, वॉल्यूम को घटाने से। तो अगर हमने बाहर से प्रेशर ज्यादा कर दिया, सिस्टम क्या करेगा, वापस प्रेशर को घटाएगा। प्रेशर घटने के लिए रिएक्शन किस बाजू जाएगा, रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा। यू कैन सी दिस, प्रेशर घटने के लिए उसको कहां जाना है, रिवर्स डायरेक्शन में जाना है, समझे। तो अगर हमने बाहर से प्रेशर को बढ़ा दिया, अगर हमने बाहर से प्रेशर को बढ़ा दिया, तो सिस्टम क्या करेगा, उस प्रेशर को घटाने की ट्राई करेगा, और घटने के लिए इसमें उसको कहां जाने वाला है, रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा। कहां जाएगा वो, रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा। उसी तरह अगर हमने यहां पे एक्सटर्नल प्रेशर घटा दिया, जैसे कि वॉल्यूम बढ़ा दिया, तो अगर हमने प्रेशर घटाया, सिस्टम क्या करेगा, प्रेशर को बढ़ाने की ट्राई करेगा। कहां जाएगा, बढ़ने के लिए वो, फॉरवर्ड जाएगा। तो अगर हमने एक्सटर्नल घटाया, इंटरनल क्या करेगा, वापस उसको बढ़ाने की ट्राई करेगा, और बढ़ाने के लिए उसको कहां जाना है, फॉरवर्ड जाना है। तो हमारा फायदा किधर है, ये रहा फॉरवर्ड। तो मैं क्या कहूंगा कि जब गैसियस प्रोडक्ट ज्यादा है ना, जैसे कि यहां पर 2 है, यहां पर 3 है, अगर यहां पर गैसियस प्रोडक्ट ज्यादा है, माइंड यू ना, यहां पर अगर गैसियस प्रोडक्ट ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, प्रेशर को घटाएंगे, क्योंकि प्रेशर घटाने से रिएक्शन कहां जा रहा है, फॉरवर्ड जा रहा है। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, अगर गैसियस प्रोडक्ट ज्यादा है, वेरी सिंपल आउटकम, अगर यहां पे गैस ज्यादा है, प्रेशर बढ़ाओ, फॉरवर्ड जाएगा। यहां पे गैस ज्यादा है, प्रेशर घटाओ, रिवर्स जाएगा। यहां पे गैस ज्यादा है, प्रेशर बढ़ाओ, फॉरवर्ड जाएगा। यहां पे गैस ज्यादा है, प्रेशर घटाओ, फॉरवर्ड जाएगा। तो अगर नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट ज्यादा है, तो एक्सटर्नल प्रेशर क्या करेंगे, घटाएंगे, उससे कहां जाएगा, फॉरवर्ड। अगर मान लो कि गैसियस प्रोडक्ट एंड गैसियस रिएक्टेंट सेम है, अगर दोनों बाजू सेम गैस है, तो कोई उसका इफेक्ट ही नहीं डालने वाला, राइट। तो इन दैट केस नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ओके। एट लास्ट आई विल गिव यू वन सिंपल एग्जांपल ऑफ दिस। सपोज आई एम गिविंग यू द रिएक्शन एज 2x गैस प्लस y2 गैस will gives you 2xy gas plus, let's write the value of delta h is given as -100, right? And for this reaction, the suggestion is asked,
व्हाट टू डू विद द प्रेशर, प्रेशर का क्या करना चाहिए अगर ज्यादा एक्सपाई लाना है तो, राइट अगेन टेम्परेचर का क्या करना चाहिए अगर ज्यादा एक्सपाई लाना है तो, ठीक है, और कॉन्सेंट्रेशन को क्या कर सकते हैं। तो अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन देखू, जैसे हमने बिगिनिंग किया था लेक्चर टेरियर का, अगर आपको फॉरवर्ड जाना है तो क्या करेंगे, यहां पे बढ़ा दो या यहां पे घटा दो, यहां पे बढ़ा दो या यहां पे घटा दो, रिएक्शन कहां जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा। तो मैं क्या क्या कर सकता हूं, या तो मैं एक्स या वाई टू को एड करूं फॉरवर्ड जाने के लिए, या मैं क्या कर सकता हूं, ये एक्स वाई जैसे कैसे बने वैसे वैसे निकालता जाऊं, ठीक है। हमें फॉरवर्ड जाने के लिए क्या क्या करना है वो बता रहा हूं मैं यहां पर। सेकेंडली टेम्परेचर का इफेक्ट दिखता है, टेम्परेचर देखना है तो एम्ब्रेयर जो डिसाइड करता है डेल्टा एच दिया हुआ, यस डेल्टा एच क्या है, नेगेटिव, डेल्टा एच नेगेटिव क्या इंडिकेट करता है, ये एक्सो। अब जरा देख लो आगे एक्सो में क्या बात बेनिफिट करेगा हमें, एक्सो में बेनिफिट करेगा डिक्रीज इन टेम्परेचर। तो क्या करेंगे हम यहां पे, डिक्रीज द टेम्परेचर बिकॉज एक्सोथर्मिक है, ऐसा रिएक्शन है एक्सो। प्रेशर का क्या करेंगे, देखते हैं कहां पे गैस ज्यादा है, गैस एक मोल, गैस दो मोल, कितना हो गया यहां पे, गैस रिएक्टेंट हो चुका है तीन मोल, यहां पे देखो गैस दो मोल, कहां पे गैस ज्यादा है, यहां पे तीन है यहां पे दो है, यहां पे गैस ज्यादा है, क्या करेंगे प्रेशर को बढ़ाएंगे, खत्म क्वेश्चन। थर्ड क्या कर सकते हैं हम, प्रेशर टू बी इंक्रीज। तो अगर हमने ये तीन चीजों में से कोई भी एक किया तो रिएक्शन कहां जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, है। तो आई होप कि मैंने आपके केमिकल इक्विलिब्रियम के मोस्ट ऑफ जो फंडामेंटल्स है वो बहुत अच्छे से क्लियर किए हुए हैं, राइट। अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, कुछ इंपॉर्टेंट सम्स, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू।